हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज इस वीडियो में आपको आरआरबी पीओ की जो कट ऑफ है 2021 में वो क्या रह सकती है उसके बारे में आपको एक आइडिया देने वाला हूं। आप सब ने एग्ज़ाम दिया है और आप सबको पता है कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो क्या था। अगर मैं बात करता हूं कि एग्ज़ाम का लेवल ईजी था, एग्ज़ाम का लेवल टफ था या मॉडरेट था, तो ये वही आदमी बता सकता है जिसने सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम दिया हो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो एग्ज़ाम या जो शिफ्ट आपको टफ लग रही हो किसी के लिए बहुत आसान हो, उसमें बहुतों ने 80 में से 80 भी अटेम्प्ट किए होंगे। तो जो कट ऑफ का एनालाइज करना है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बताऊँगा कि आपकी कट ऑफ जो है ओवरऑल कितनी जा सकती है, और आप उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जो आपको बताऊंगा वो यूआर की कट ऑफ होगी। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि जो कट ऑफ है वो डिसाइड नहीं की जा सकती। 10,000 या 15,000 कैंडिडेट ने अगर कमेंट आपको कर दिया कि मेरे इतने अटेम्प्ट किए हैं, ये शिफ्ट थी, मेरी शिफ्ट हार्ड थी, क्योंकि सभी कैंडिडेट को अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है और वो यही रिव्यू देते हैं कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, उसके अंदर क्वेश्चन जो थे मॉडरेट थे, इसलिए जो नॉर्मलाइजेशन है वो ज़्यादा मिलेगा। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, क्योंकि सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम कैसा था और लेवल कैसा था ये सिर्फ आरआरबी बता सकती है आपको, और कोई नहीं बता सकता। अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ इस वीडियो के अंदर, तो जो यूआर की कट ऑफ है आपकी, जो आपकी यूआर की कट ऑफ है वो 50 के अराउंड यानी कि 80 में से 50 के अराउंड जा सकती है। और आप अगर वैकेंसी की बात करें तो कुछ स्टेट के अंदर वैकेंसी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे यूपी के अंदर वैकेंसी बहुत ज़्यादा हैं, और वो राज्य जिनके अंदर वैकेंसी कम है उनके अंदर 50 से भी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। लेकिन जिनके अंदर वैकेंसी जो है मीडियम वैकेंसी हैं उनकी जो कट ऑफ रहेगी यूआर के लिए वो 50 रहने वाली है। अगर वैकेंसी बहुत कम है या ज़्यादा है तो उनके लिए जो कट ऑफ है वो वेरी कर सकती है, और वेरी भी ज़्यादा नहीं करेगी, प्लस माइनस 3 के अप्रोक्स वेरी करेगी। अगर आप ओबीसी हैं तो इसमें से आप 3 नंबर कम कर लीजिए, अगर एससी हैं तो इसमें से आप 5 या 7 नंबर कम कर लीजिए, और अगर आप इस एसटी हैं तो इसके अंदर से आप 8 या 10 नंबर माइनस कर सकते हैं। अगर आपकी कट ऑफ से ज़्यादा अटेम्प्ट्स हैं और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपको ऐसा लगता है कि मैं मेंस के लिए सिलेक्ट हो सकता हूं, तो आप अपने मेंस की तैयारी करने में लग जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब